माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 पर बेस्ड कंटिन्यूटी टॉपिक को लेकर ये वीडियो है। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुराने वीडियोस को देखें और कंसेप्ट सॉलिड करें ताकि आपका कंसेप्ट कंटिन्यूटी को लेकर सॉलिड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा है कि इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू y। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि इफ f of a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x हो, अगर ऐसा हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो देखें आपका a कौन है इस केस में, दिस इज a, तो लिमिट x टेंड्स टू y f of x, लिमिट x टेंड्स टू पार f of x कौन है आपका, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। ये आपका साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 है। और f of a क्या होगा इस केस में दोस्तों, तो f of a होगा आपका f of y, क्योंकि हमें पार पे डिस्कशन करना है। तो एफ ऑफ पाई में एक्स की जगह में जब पाई रखना पड़ेगा तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इज इक्वल टू, अगर एक्स की जगह यहां भी पाई रखना पड़ेगा तो यह हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ध्यान से सुनिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई जीरो, ये जीरो प्लस 5, और सिमिलरली ये दोनों साइड, तो दोनों साइड आप देख लें कि दोनों साइड आर इक्वल, तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। तो बड़ा सरल सा उपाय लिखा कि ऐसा दोनों तरफ कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यस इट इज ट्रू, पर कई बार ऐसा नहीं भी होगा। कई बार जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर मान लीजिए f of x is equal to sin 1 by x होता है, तब sin 1 by x हो गया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 0, when x is 0 और यहाँ पर लिख दिया when x is not 0, तब उस केस में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आप लेंगे x tends to क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ f of x की जगह क्या आ जाएगा sin x, sin 1 by x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू माइनस वन से वन तक कुछ होगी, क्योंकि एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो वन बाय एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस वन और वन के बीच में कुछ वैल्यू होगी, पर वो वैल्यू क्या होगी वो कोई नहीं जानता, तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट से दैट दिस टू आर इक्वल, इसलिए ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये था इसको लेकर के, अगर आप इस टाइप का फंक्शन और देखना चाहते हैं तो इसका जो एक वीडियो है एक क्वेश्चन को लेकर के, वो क्वेश्चन नंबर है 24, एक्सक्लूसिव वो वीडियो बनाया है, 30 मिनट्स उसी पर डिस्कशन किया है, तो आप इसका करेक्शन उससे है, इसका और इसके जैसे और कई फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात उसमें देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और आपको इस टाइप के फंक्शंस की कंटिन्यूटी एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो ये था, दिस वाज द रिस्पांस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पर कंटिन्यूस है दोस्तों, वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई पे। अब हमें इस क्वेश्चन में इन सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी की डिस्कशन करनी है, तो पहले हम एक काम करें, साइन एक्स का समझ लें कि साइन एक्स कैसा होता है। आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, और कहीं पर भी आप देखें कहीं पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप इसका ग्राफ बनाते जा रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है, कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, पीछे यहाँ पर रहता है माइनस इंफिनिटी, आगे रहता है प्लस इंफिनिटी, यहाँ बना देता हूँ मैं माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी, आप बनाते जाए, आपके पास समय हो आप लगाते जाए। कॉस एक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉस एक्स के साइन, तो कॉस एक्स भी इसी तरह से साइन का ही भाई है, वो इस तरीके से बनता जाएगा और वो आगे तक
जाता जाएगा. तो cos x is similar to this sin x, दोनों ही कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस के साथ साथ दोनों का डोमेन भी एक ही है. वो डोमेन इनका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन इंटरवल. डोमेन कौन सी चीज होती है? तो डोमेन आपने 11th में पढ़ा होगा, डोमेन वो वैल्यू होती है जो x के अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो जब x के अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वो डोमेन होता है. तो x के अंदर यहाँ पर क्या रख सकते हैं? तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें और इसमें रख सकते हैं और दोनों ही कंटिन्यूस है. तो जब दोनों कंटिन्यूस हैं तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो उनका एडिशन, उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा और दोनों का डोमेन कॉमन है तो कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल ऐसा लिखेंगे. ये भी क्या होगा दोस्तों? ये भी कंटिन्यूस होगा और दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा. लेकिन 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 उनका डिवीजन कंटिन्यूस नहीं होगा. कंटिन्यूस इन इसका भी वही आंसर होगा. ये बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, इनके लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है. दे आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं. और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो और आप वीडियोस देखें मेरे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक दबाएं और आगे बढ़ जाएं. और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9685698056. तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड. तो ये था दोस्तों इसका आंसर क्यों. अब मैं आपको डिवीजन की जब बात बता रहा था तो मैं डिवीजन की बात बताते बताते इस पे आ जाता हूँ. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा. ये वाला फंक्शन कौन कौन कंटिन्यूस होंगे? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा. लेकिन वो भी कब होगा? वो उनके कॉमन डोमेन में होगा, कॉमन डोमेन में. एक का मान लीजिए डोमेन कुछ है, दूसरे का डोमेन कुछ है, तो नहीं. जब तक उनका डोमेन क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा. तो इस केस में ये जो क्वेश्चन था इसमें तीनों का डोमेन कॉमन था, तो इस ये तीनों की तीनों क्या थे? कंटिन्यूस फंक्शन थे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है. तो हम कौन से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे? एज यूजुअल इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ट्रांजिशन है, चेंज है. तो 0 पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट कितनी होगी. राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h इस अकाउंट में जाएगा ग्रेटर देन 0. तो 0 प्लस h प्लस 1, एच की जगह 0 रखेंगे 1 आ जाएगा. अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं दोस्तों. लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच. माइनस कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच. साइन एच अपॉन एच विल बी 1, क्यों? क्योंकि अपने पास है एक रिजल्ट, वी हैव दिस रिजल्ट. देखिए क्या रिजल्ट है वो हमारे पास. वी हैव लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा माइनस थीटा इज 1. तो जब थीटा 0 की तरफ जाएगा, ये एंगल 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, ये दोनों एक जैसे होंगे तो ये 1 हो जाएगा. तो उसी तरीके से वो भी क्या बन जाएगा? हमारा 1 बन जाएगा. कौन बन जाएगा 1? ये था हमारा दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गया हमारे पास? 1 हो गया. अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 हो गया और राइट हैंड लिमिट भी 1 हो गया. और एफ ऑफ 0 कितना होगा? एफ ऑफ 0, क्योंकि जब दोनों चीजें इक्वल आती है तो तीसरी चीज एफ ऑफ 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 0 प्लस 1. तो आ गया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो इसका मतलब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो ऐसा लिखेंगे
find the point of discontinuity. So the answer will be, there is answer we found with no point of discontinuity. There is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity in this function. इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल पाया, या फिर हम ऐसा कहें कि इट इज कंटिन्यूअस इन आर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर पूरे रियल नंबर के इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसको मैंने एक्सक्लूसिवली 30 मिनट्स का पूरा एक वीडियो और डेडिकेटेड टू क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चंस लाइक 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो इसका है उसी के ऊपर डेडिकेटेड मैंने पूरा एक 30 मिनट्स का वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक चेक करेंगे, देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 22 मैंने मिस कर दिया है, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें दिया है f(x) = cos x, f(x) = cosine means cos x, cosecant मतलब cosec x। f(x) = cosecant के बाद है आपका f(x) = एक सेकंड में इसको ले लेता हूं बुक को, f(x) = cosec x secant मतलब sec x f(x) = तो वो मैंने 23rd सॉल्व कर दिया था, ये 22nd। f(x) = cotangent मतलब cos x। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस इज टू बी डिस्कस्ड। तो कॉसेक्स तो आपको जैसे मैं कही देर काफी देर से बोली आता है कि ये कॉसेक्स इसका ग्राफ यू होता है, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस इन आर। अब ये वाला जो फंक्शन है कोसेक्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/sin x। और जब जब साइन एक्स जीरो होगा तब तक प्रॉब्लम होगी। तो साइन एक्स कब कब जीरो होगा, तो आप लास्ट ईयर का याद करो, sin x = 0 मतलब sin x = sin pi मतलब sin x = pi sin pi। फिर आपको तो एक केस याद होगा, sin θ = sin alpha, क्या है वो, θ = n pi ± 1 to the power n alpha where n belongs to z, मतलब n is an integer, z मतलब integer। तो इस केस में क्या लिख सकेंगे, इस केस में साइन एक्स कब कब जीरो होगा, जब x क्या होगा n pi plus minus 1 to the power n, यहां पे अल्फा की जगह pi है, n belongs to z। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो ये कंटिन्यूअस होगा, सब में होगा पर इन वैल्यूज पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका आंसर दिखाएं हम, f(x) = cosec x, या आप लिखना चाहते हैं cosecant function is continuous in R, all real numbers except, ये वाले point minus करना पड़ेंगे, इनको लिखने का तरीका है x such that x is equal to n pi, ये such that के लिए n pi plus minus 1 to the power n pi, n belongs to z bracket close। तो this is the answer of this particular question, इसका answer है। अगर sec x की बात आएगी तो हम sec x को देखो क्या लिख सकेंगे, f(x) = sec x, यहां डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, f(x) = sec x, sec x को लिख सकते हो आप 1/cos x। तो cos x कब जीरो होता है। अच्छा एक और बात थी इसको, एक बात और थी, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, इसको सरल तरीके से भी लिख देते हैं,
ये वाला भी तरीका है, इट्स ट्रू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप. देयर इज अ कंडीशन फॉर दिस, डायरेक्ट कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पर एन पाई भी लिख सकते हैं. तो फिर क्या होगा, क्या उसमें और इसमें आंसर में चेंज होगा क्या? नो चेंज, नो चेंज इन आंसर, दोनों आंसर सेम है. तो दिखने में अलग अलग लग रहे हैं तो नो इशू, मैं आपको बताता हूँ. तो ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इन आर माइनस एक्स सजेट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड. ये दोनों एक ही चीज है. देखो आप इसमें से क्या करें, अगर आप इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, एन प्लस माइनस वन टू द पावर एन, और यहाँ पे क्या जाएगा पाई. लेकिन अब इसमें क्या होगा कि खाली यही नहीं रहेगा, एन की वैल्यूज डालनी पड़ेगी आपको. तो जब एन की वैल्यूज डालते जाओगे आप, जैसे एन की वैल्यू जीरो डाली आपने, तो ये हो जाएगा जीरो, और माइनस वन टू द पावर जीरो मतलब वन, तो ये वन पाई हो जाएगा. एन की वैल्यू आप जब वन डालोगे तो हो जाएगा वन, माइनस वन, माइनस वन टू द पावर वन, तो ये जीरो पाई हो जाएगा. तो सारी वैल्यू वही मिलेगी. जब आप एन की वैल्यू क्या डालोगे, टू डालोगे तो टू माइनस वन, तो ये वन पाई मिल जाएगा. मतलब वही वैल्यू मिलेगी जो इससे मिल रही है ना. एन की वैल्यू क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड है, तो एन की वैल्यू भी जीरो है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, तो सारी वैल्यूज वही मिलेगी जो मिल रही है आपको. केवल ये लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा. तो आपकी जो बुक में आंसर होगा, तो बुक विल हैव दिस आंसर, आपकी बुक में ये आंसर होगा. और वो आंसर लिखा तो वो गलत नहीं होगा, बट दिस इज अफकोर्स दिस इज अ प्रिसाइज आंसर, सो आप इसको प्रिफर करें. और वो भी सेम आंसर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो कॉस एक्स इज जीरो, तो फिर कॉस एक्स जीरो होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, जैसे वहां एक केस था वैसे यहाँ भी एक केस है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, माइनस वन भी हो सकता है, टू एन प्लस माइनस भी हो सकता है, एन बिलोंग्स टू जेड. तो इसका डोमेन क्या, इसका ये कंटिन्यूस कहाँ होगा, जहां जहां पे ये जीरो नहीं होगा. तो इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस इन आर माइनस ऑल दोज एक्स, उन सारे एक्स को छोड़ दो, सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड. ये इसका आंसर हो गया. अब बात आई किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉटेक्स की. तो कॉटेक्स का अब मैं इसको रख कर देता हूं, आई होप यू वुड हैव नोटेड. और अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा. अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस कॉटेक्स. तो कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉटेक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. तो इसका कॉस एक्स बाय साइन एक्स, इसमें वही प्रॉब्लम आएगी कि जब तक डिनोमिनेटर जीरो होगा तब तक प्रॉब्लम आएगी. तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का हमने भी रखा है ये कोसेक एक्स के लिए, सेम आंसर इसके लिए भी होगा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉटेक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉटेक्स इज कंटिन्यूस इन, कहां पे कंटिन्यूस है, इसमें, इसमें कॉटेक्स कंटिन्यूस है. तो ये कॉटेक्स की भी डिस्कस कर ली हमने क्वेश्चन उस पर. अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की. क्वेश्चन नंबर 25, तो 25th क्वेश्चन में आपको एक्स नॉट जीरो और माइनस वन पर एक्स इज जीरो ये क्वेश्चन है. और एग्जामिन द कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है. तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम कि कंटिन्यूस है या नहीं है. तो कंटिन्यूस किस पॉइंट पे चेक करेंगे हम, जीरो पे, क्योंकि जीरो पे इशू है. तो जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कंटिन्यूटी चेक, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो
x tends to a, sorry, f of x. अब हमारे पास कौन सा पॉइंट a आता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं f of a is equal to right hand limit is equal to left hand limit, वो भी एक चॉइस है, उसमें थोड़ा सा आपको काम ज्यादा होगा, बाकी कोई खास बात नहीं है. f of 0 limit x tends to 0 f of x. अब x approaches to 0, x 0 की तरफ जा रहा है पर x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो फिर ये वाला लगेगा आपका फंक्शन, लगा दीजिए इसको, x की जगह 0 डाल दीजिए, sin 0 माइनस cos 0, sin 0 कितना है 0, cos 0 1, और f of 0 का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है आपको माइनस 1, f of 0 is माइनस 1, माइनस 1, दोनों साइड इक्वल आ गई. तो इसका मतलब है कि इसकी हमने क्या पूछा हमसे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है. तो ये कैसा फंक्शन है, दिस मींस f of x इज कंटिन्यूअस इन R, पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो नेचुरली जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं कि जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 एंड यू मोर क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग इन नेक्स्ट वीडियो. सो बी इन टच एंड आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. इतना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं. मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट.